अपनी गलती को एक्सेप्ट करो। मैं चाहता हूं कि तुम अपने कमी को एक्सेप्ट करो। तुम उस पेज पे ये लिखो कि मैंने ये गलती पिछले साल की थी और मैं वो कामचोरी इस साल नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। सीरीज ऑफ मिस्टेक्स होंगे आपके, क्या आपने क्या गलती करी थी, कहां पे आप पीछे छूट गए थे, कहां पे आप लैग कर गए थे, कहां आपने टाइम खराब किया था, किस मोमेंट से आप वापस मुड़े थे, उस मोमेंट को अपने कॉपी में मेंशन करिए और उसको एक्सेप्ट करिए, घर वालों को दिखाइए। ज्यादा दिक्कत है तो मत दिखाओ, क्या पता जूता लात पड़ जाए। लेकिन 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 वो तुम्हारे पास होना चाहिए, क्योंकि जब तुम वो गलती दोबारा से करने जाओगे तो वो चीज तुमको रोकेगा। अगर तुम्हें लगता है कि सर मेरे में नहीं थी, आप में गलती थी, तो मुझे बताओ, मैं सुधारूंगा। मैं यहां पे खड़े होके, 24,000 बच्चे दिख रहे हैं यहां पे, इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं यहां पे खड़े होके बोलता हूं कि मैंने पिछले 2 साल से PWF में पढ़ाया, उससे पहले भी लगातार पढ़ाता रहा हूं। किसी भी बच्चे को यह लग रहा है ना कि सर आप ये करो, मैं जेन्युइनली तुम्हारे सामने कह रहा हूं यहां पे खड़े होके, मैं वो करूंगा। अगर वो जेन्युइन रिक्वेस्ट होगा तो तुम कहोगे सर आप तो 1 घंटे पढ़ाओ, ऐसा नहीं करूंगा, तुम लोग सवाल कम कराओ, नहीं करूंगा। कुछ तुम्हें लग रहा होगा कि मेरे अंदर कमी थी जिसकी वजह से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो तुम लिखो मैं वो काम करूंगा। और तुम अपनी गलती को भी लिखो और यहां पे प्रॉमिस करो खुद से कि ये गलती मुझे नहीं दोहराना है, और वो पेज को लेके किताब अपने रूम में दीवार पे चिपकाओ उस पेज को और एक्सेप्ट करो अपनी गलती को। क्योंकि जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे, उस गलती को आइडेंटिफाई नहीं करो, तुम्हें लगा आग लगा देंगे और कल कहां गया आग पता ही नहीं चल रहा है वो। तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, यह बहुत जरूरी है। जब तक तुम अपने गलती का एहसास नहीं करोगे, वो गलती फिर से रिपीट होगा। तो आप उस गलती का एहसास करिए और कसम खाइए कि वो गलती दोबारा हम नहीं करेंगे सर।